टायरों में तीन मिसमार खेले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डेली शहर व्लॉग में, स्वागत है आपका। तो शुरू करते हैं जी हमारा ये नया व्लॉग। आज है बुधवार, यानी कि बुधवार जिसको बोलते हैं ना बिजनेस डे। तो सुबह सुबह जो है हम गाड़ी चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह, गाड़ी तो चालू हो गया है भाई। अभी मैं जाऊंगा सिटी मॉल, सिटी मॉल जाने के बाद में ये कुछ कपड़ा यहाँ रखा हुआ है जो मैडम का है वो वापस करना है। उसके बाद जाएंगे हम एनसीबी बैंक, उसके बाद जाएंगे होटल। आज भी जो है नाश्ता जो है ना होटल से लेना है। और मेरे को लगता है इनकी प्लानिंग कहीं लंबा निकलने की दिख रही है। मेरे को लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे पता नहीं, लेकिन प्लानिंग तो कहीं बाहर जाना है, रियाद छोड़ के, रियाद से दूर 400-500 किलोमीटर दूर। कहाँ जाना है गेस करो और बताओ। आज जो है ना एक व्लॉग अपलोड हो गया और एक व्लॉग इंशाल्लाह शाम में अपलोड कर देते हैं, क्योंकि कोई भी व्लॉग पेंडिंग में नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहले जल्दी जल्दी जो है चलते हैं हमारे सिटी मॉल को, हमारा नहीं है लेकिन सिटी मॉल को, वहाँ जाके जो है ये कपड़े देते हैं भाई, वापस करना है। सुबह में मैं सिटी मॉल को जा करके वापस आ गया क्योंकि सिटी मॉल बंद था। तो अभी फिर से मैं जा रहा हूँ रियाद दिराब स्ट्रीट सिटी मॉल पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारे जो कफील है ना, कफील का वीडियो बनाओ, कफील को बताओ। भाई कफील को नहीं बता सकता मैं, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं या एम्प्लॉयर बोलते हैं या एम्प्लॉय बोलते हैं, मेरे को दोनों में कन्फ्यूजन होता है। थोड़ा क्लियर कर देना कमेंट करके, ठीक है ना। और उतना मेरे को इंग्लिश नहीं पता है क्योंकि आप लोगों को पता होगा 50-50 इंग्लिश मेरे को आता है, इसलिए जो है ज़्यादा मालूम नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ फिर से सिटी मॉल, वहाँ से देखते हैं यह कपड़ा चेंज करना है यहाँ पर जो रखा हुआ है। सुबह गया, वापस आ गया, फिर नाश्ता करके जो है शाहिर के ब्लॉग पे ये थोड़ा सा काम किया, उसके बाद फिर से जा रहा हूँ। अभी देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है, अभी है ना, चलिए। वैसे यहाँ पर हवा बहुत चल रही है लेकिन ये सिटी मॉल की प्रॉब्लम मेरे को समझ में नहीं आ रही है। अभी दोहर की नमाज भी हो गई है लेकिन अभी तक इन्होंने मॉल नहीं खोला है। भाई क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या है कुछ नहीं मालूम। वैसे 10 बजे खुल जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं खुला है। बहुत सारे लोग वो आकर के वापस जा रहे हैं। वैसे यहाँ मेरे पीछे रोड है तो आवाज़ें बहुत आएंगी, देख सकते हैं दिराब रोड। और वो नया वाला दल्ला हॉस्पिटल बना हुआ है, मस्जिद है और यहाँ पर कुदू है। यहाँ देखो ये गनेर का फूल वाला झाड़ लगाया हुआ है माशाल्लाह। भाई लोग शॉपिंग मॉल को जाने वाले थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर 1000 रियाल फाइन है बिना मास्क के, ठीक है ना। 1000 से 10000 रियाल, और ज्यादा लोग जमा होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ लो अरबिक में क्या लिखा है, नो एंट्री विदाउट मास्क। यहाँ किसी को पूछना पड़ेगा आकर खोलेगा कि नहीं खोलेगा। यहाँ अंदर एक आदमी बैठा है, मैं इसको देख के कन्फ्यूज हो गया, भाई ये कौन बैठा हुआ है अंदर। और स्टैचू है कपड़े का। और ये पीछे मेरे मेन गेट है, मैं अभी जा रहा हूँ स्प्लाश के साइड में, मेन गेट है। यहाँ देखो लेडीज का कपड़ा लगाया हुआ है साइड में। मेरा गाड़ी खड़ा हुआ है उस कोने पे, मैं पैदल पैदल आके स्प्लाश के पास बैठा हुआ हूँ। यहाँ तक भी कोई छोटी मोटी दुकान भी नहीं चालू है इसके अंदर। एक बंदा गया लॉक खोला, उसके बाद वो भी अंदर चला गया। पता नहीं किसी को पूछा तो वो बोलते खोलेगा ना, कब खोलेगा भाई। दो ट्रिप हो गया यार सिटी मॉल को, हद हो गई, परेशान करके रख दिया मेरे को लोगों, मेरे को फुर्सत नहीं है। बहुत देर बैठने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि भैया नहीं, हमको यहाँ से घर का चक्कर लगाना चाहिए। अभी तो 1:30 बज रहा है, ये सिटी मॉल खुलेगा 2 बजे। मेरे को लगता है पूरा व्लॉग जो है ना सिटी मॉल के ऊपर ही आज बन जाएगा, पता नहीं भाई। चलो चलते हैं घर को चलते हैं, अभी क्या करें, और आधा घंटा हमसे बैठा नहीं जाता भैया। सब लोग आकर के वापस चले गए और हम यहीं पर अटके हुए हैं। बाकी अल्लाह करीम, या अल्लाह।
ये कार्टून साहब जो है ना रास्ते में आके पड़ा हुआ है इधर, इसको कट मार के हम निकल जाते हैं इसे। वहां बैठने से अच्छा तो घर पे आके लौंग वाली चाय पीना अच्छा है करके मैं सोचा था, तो इसके नीचे पन्नी लग गया था, तो मैं लौंग वाली चाय बनाया और चाय पी के थोड़ा देर इंतजार करके फिर से हम जाएंगे सिटी मॉल। भाई बहुत सता रहा यार, गुल्लू भाई इसको समझाओ यार, पहले खुजाने को फुर्सत नहीं है, ये लोग मेरे को इधर से उधर उधर से इधर भगा रहे, पता नहीं क्यों। देखता हूँ थोड़ी देर के बाद चाय पीते हैं, पहले चाय पीने के बाद में एक वीडियो एडिट करना है, वो वीडियो को एडिट कर दे के अपलोड कर दे के इंशाल्लाह दो दो चैनल पे अपलोड करना है भाई आज, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। अल्लाह करीम दुआ करो यार। थोड़ी देर सोने के बाद में, लंच करने के बाद में अब्दुल्ला को जिम छोड़ के जो है फिर मैं आया सिटी मॉल। तो अभी जो है नमाज के बाद भी आने के बाद भी ये दुकान अभी चालू नहीं हुआ, कितना घुमा रहे यार ये लोग, अभी खुल जाएगा इंशाल्लाह। वाह, बहुत दिनों बाद मकई आया है अपने पास, आज तो मकई हमको उबालना पड़ेगा। पहले जो दो मकई था वो तो खराब हो गया, लेकिन मैं अभी ये लेके आया हूँ, इनको उबाल के हम खाते अभी खाते हैं, क्योंकि हमने आज लंच नहीं खाया। लंच खाया लेकिन थोड़ा सा रोटी खाया, वैसे फिर से भूख लग रही है तो ज़रूरी है, क्योंकि भाई कुकिंग नहीं किया तो सोच सकते हैं आप कहाँ से खाना रहेगा, कुकिंग खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि जिंदगी सऊदी अरब की। चलो मगरिब होने वाली है, ये लो मगरिब होने वाली है, बोलती कि फ़ोन आ गया, देखते हैं किसका फ़ोन है। हेलो बॉस का फोन आ गया, तो ये देखो हमारा भुट्टा गल गया था, टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, थोड़ा नमक की कमी है यार, नमक डालना पड़ता है। मच 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 लेटर। अब यहाँ पर मुश्किल ये है कि तीन टायरों में तीन मिसमार खिले, सामने का टायर पीछे करना है अभी, क्योंकि भाई कल जाना है अलगसीम। कम किलो अदानता इरफा, टायर पंचर भाई, बचा हुआ वो एक टायर है, इसमें मिसमार, ये दोनों में मिसमार, अजीब है यार, समझ में नहीं आया। पूरा रियाद नहीं, वैसे रात के 10:30 तकरीबन टाइम हो रहा है भाई, टाइम मैं क्यों भूल जाता हूँ यार, ये गोपी बहू टाइम कितना हो रहा है, 10:30 टाइम हो रहा है। देखो मैं अभी फिर केरला ही होटल से, केरला वाली होटल से ही डिनर लेकर के आया हूँ, और ये मेरी स्टील की प्लेट है, ये मेरे दोस्त की थी, वैसे मेरे पास आ गई है। अभी मैं बिरयानी लेके आया हूँ, बिरयानी के साथ हमको क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है शेरवा, ठीक है, और इसके साथ मिलता है एक पापड़, हाँ, और ये है कुछ, ये खाने से सर में ज़रा चालू हो जाता है, और ये है बिरयानी भाई, बिरयानी मेरे को ये बिरयानी तो नहीं लगता, लेकिन ये चावल के साथ बना देते हैं बिरयानी, इसको जो सालन होता है उसको नीचे डाल दिया और इसके साथ बन गई बिरयानी, देखो बिरयानी क्या करे, तो भी नंबर वन हैदराबादी बिरयानी ही रही थी, हैदराबादी बिरयानी के सब पीछे से सब पीछे है। टेस्ट करके बताता तो हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खुशबू बिरयानी की आती है, लेकिन ये सेम बिरयानी नहीं होता है, ठीक है, मेरे को नहीं लगता ये, वैसे अल्लाह करीम जो किस्मत में मिलता है वो तो खाना ही है, रिज़क है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाने के बाद मिलते हैं और व्लॉग को एंड करते हैं।